coffee. Nice coffee. Good people. नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज शब मेराज की तकरीबात पूरे अकीदत और एहतराम के साथ तमाम वादी में मनाई जा रही है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब जो है वो आसार शरीफ हज़रत बल दरगाह में हो रही है। इस ज़मन में तमाम अजला से लोग यहाँ पे आते हैं और रात भर शब खानी में शामिल हो जाते हैं। दुरूद असकार की महफिल होती है और रहमत नाजिल होती है अल्लाह ताला की। ऐसे में आज दिन भर अकीदतमंद सुबह ही हज़रत बल का रुख कर चुके हैं। सरकार की जानिब से सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया। आप हमारी इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के मुख्तलिफ अफसरान यहाँ पे पहुँचे और सिक्योरिटी का जायज़ा लिया। कोई कमी पीशी तो नहीं है। सिक्योरिटी ने पूरा आज दिन भर आसार शरीफ हज़रत बल में मुआयना किया। नासरीन, आप जानते हैं कि खसूसी तौर पे SRTC का एक अहम रोल होता है जब ऐसे मुकद्दस दिन होते हैं। SRT के ड्राइवर हजरात और कंडक्टर हजरात बिल्कुल सहूलियात बहम रखते हैं। ज़ायरीन के लिए हर अजला से SRTC की गाड़ी रवाना हो जाती है। दरगाह हज़रत बल के लिए जब हमने बात की जनरल मैनेजर शौकत अहमद से तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। शौकत साहब, ये बताइए कि आज दरगाह आलिया में शब मनाई जा रही है, तो इस सिलसिले में SRTC ने क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं जायरीन के लिए? कहां से आपकी गाड़ियां निकल रही है और क्या रात भर आपकी गाड़ियां चलती रहेंगी? हाँ, इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहूँगा कि हमने इस बारे में रिटर्न में भी ऑर्डर शो किए हैं। आज शाम के मतलब 4 बजे से ही हमने इसको इसके हजरत के लिए स्पेशल सर्विसेज भेज दी है जो बराबर इशा की नमाज तक वहाँ पहुँच जाएंगी। तो इशा की नमाज पढ़ के सारे जायरीन को हम वापस भी लाएंगे, तो मगरिब की नमाज के लिए भी माकूल इंतजाम है। जो लाल चौक से जाना चाहे, चाहे लाल चौक से जाना चाहे या कम लाल चौक डलगेट रैनावारी का रूट है, एक रूट तो वो हो गया, दूसरा रूट हो गया बटमालू से लेके कमरवारी सिमट कदल जो डाउन टाउन के इलाके से हजरतबल गाड़ी पहुंचेगी। दोनों नमाजों के लिए हमने उसके लिए इंतजाम किए हैं और कल मगरिब की नमाज के लिए उसके लिए भी इसी रूट पे मॉर्निंग में 6 बजे से गाड़ियां अवेलेबल होंगी। और उस सिलसिले में एक और चीज है कि रात भर भी वहां हमने करीबन 10-20 गाड़ियां रखी है जो फजर की नमाज अदा करके जायरीन वहां से निकलेंगे उनको अपने अपने मुकाम पे पहुंचाने के लिए। ये बताइए इसके इसके अलावा कल दिन के लिए जी। कल दिन के लिए हमने स्पेशल बसों का इंतजाम किया है। करीबन 70 बसेस हमने इस स्पेशल ऑपरेशन के लिए एयरमार्क करके रखी है। तो इसके अलावा भी अगर हमें लगा कि मौसम ठीक रहा, रश बढ़ गया, तो उसको हम और 30 गाड़ियां हमने कुशन के तौर पे उनको सेपरेटली रखा है। ये बताइए कि अगर श्रीनगर में इस तरह की गाड़ियों की सहूलियत बहाम रखी गई है, क्या जिले तौर पे यानी कि बाकी अजला जो है वादी कश्मीर में, क्या उनके लिए भी SRTC ने कुछ ऐसी बस का? बिल्कुल बिल्कुल सही वजह आपने फरमाया। हर एक जिले से जैसे कुपवारा से, बांडीपोरा से, वहां से उस सेक्टर में नॉर्थ में पड़ता है बारामूला डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद गांधरबल से, हर एक जिले से यहाँ साउथ में अनंतनाग रेगुलर सर्विसेज आएंगी
वो जो मतलब जो उन लोगों के लिए हमने वो रखी है जो मतलब सोमो वोमो या छोटी अपनी गाड़ी उसके पास नहीं हो, उसके पास उसको ये मुनासिब कीमतों पे ट्रांसपोर्ट देने के लिए हर एक जिला से वो गाड़ियां आएंगी, जो लालचौक से के रास्ते से आएंगी या बटमालू कामरवारी के रास्ते से दरगाह उनको पहुंचाएंगी। अगर से आपने ये गाड़ियां यहाँ पे श्रीनगर में लगा दी है हजरतबल के लिए, जो ये आम तौर पे ये गाड़ियां चलती है बाकी रूट्स पे चलती है, क्या वहाँ पे इस टाइप मुसाफिरों को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है क्या नहीं नहीं वहाँ उसमें वहाँ नहीं, वहाँ पे? बिल्कुल नहीं, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हमने ऐसा इंतजाम किया है कि मान लो भी आप इसको इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, नॉर्मली हमारी सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट हो रही है हर डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियाँ, वो श्रीनगर पहुंच जाएंगी। उसके बाद वो दिन को नहीं चलती है वहां पर, वापस नहीं चलती है। कुछ सर्विसेज श्रीनगर से वापस जाती है, जैसे शुपियां के लिए, पुलवामा के लिए, अनंतनाग के लिए। वो कौन सा वो कुछ 5-6 सर्विसेज है वो यहाँ, क्योंकि कल यहाँ से छुट्टी भी है, यहाँ से उस वक्त का रश नहीं होगा। वो रश तो उनका होगा शाम को जब उनको अपने अपने घर अपने डिस्ट्रिक्ट में वापस पहुंचना होगा, तो उस वक्त उनको बाकुल वो गाड़ियां मिल जाएगी। क्या उससे रोजमर्रा मतलब जो आम ये लोग हैं उनको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। क्या हम ये लोगों को वाजह कर दें कि जो लोग नमाज मगरिब और नमाज इशा के लिए जाना चाहते बिल्कुल हैं और बिल्कुल वो बिल्कुल आराम से भी उनके बिल्कुल लिए बिल्कुल वहां से गाड़ियां वापस बेशक उन्हें अपने इनफैक्ट अपने मकाम गवर्नमेंट तक ने इस पे पहुंचा देगी? बिल्कुल बिल्कुल SRTC इसी के लिए बना है, और ये हम ये प्रैक्टिस सदियों से करते आए हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तो आपकी दुआ से, ऊपर वाले की फजल से ये ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और हर एक को मुनासिब ट्रांसपोर्ट मिलेगा। चौक साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो शुक्रिया शुक्रिया, ओके थैंक यू।